हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूँ ब्रेन बी एस टेक में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आप लोग एक सवाल बार बार पूछ रहे हैं फ्रेंड्स कि धनी कैश को रिडीम कैसे करें। फ्रेंड्स तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि धनी कैश को रिडीम करने के लिए धनी ऐप में बहुत सारे ऐसे तरीके दिए हुए हैं जिनके बारे में मैंने पहले भी बताया है और आज भी मैं बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखते हो जिसके कारण आपको प्रॉब्लम होती है और आप लोग कमेंट बॉक्स में सवाल करते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। ऐसा करने से क्या होगा फ्रेंड्स कि आपका जो भी सवाल होगा वो वहीं पर सॉल्व हो जाएगा, आपको कॉमेंट बॉक्स में सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि धनी कैश को रिडीम कैसे करें, धनी कैश को रिडीम कैसे करें फ्रेंड। तो आज मैं इन्हीं सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। बस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटे का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिएगा, आप धनी ऐप को ओपन कर लीजिएगा। ओपन कर लेने के बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको होम पेज पे ही सारा कुछ आपको लगभग दिख जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिएगा, मेरा धनी कैश 581 शो हो रहा है। और यहाँ पे आप और नीचे जाइएगा फ्रेंड्स, नीचे जाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे धनी कैश एंड ऑफर्स का एक यहाँ पे सिंबल बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे देखिए लिखा हुआ है रिडीम योर धनी कैश बिफोर 15th ऑफ एवरी मंथ। तो ये जो है ये न्यू अपडेट आया है फ्रेंड्स, ठीक है। हर महीने के 15 तारीख के पहले आपको धनी कैश को रिडीम कर लेना है फ्रेंड्स, नहीं तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो आइए आपको बताता हूँ कि कितने सारे तरीके हैं आपको धनी कैश को रिडीम करने का, जो कि आप लोगों का काफ़ी सवाल इस तरह का पूछा गया है फ्रेंड्स। तो सिंपली इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स कि आपको बहुत सारे तरीके यहाँ पे लिस्टेड हैं धनी कैश को रिडीम करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे ऊपर अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिडीम योर धनी कैश। तो होम पेज पे जो आपको दिख रहा था वही चीज़ यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है कि रिडीम योर धनी कैश बिफोर 15th डे ऑफ एवरी मंथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उस वक्त देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट एक्सपायरी डेट है 15 अगस्त 2020 को, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसके अंदर आपको रिडीम कर लेना है, नहीं तो ये ज़ीरो हो जाएगा। अब आते हैं कि इसको रिडीम कैसे करने हैं, कितने सारे तरीके यहाँ पर दिए हुए हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखा जाए फ्रेंड्स, ओवरऑल यहाँ पर 6 तरीके यहाँ पर लिस्टेड है फ्रेंड्स, जिसके थ्रू आप अपना धनी कैश को रिडीम कर सकते हो। सबसे पहला नंबर तरीका यहाँ पे है कि एविल इंस्टेंट क्रेडिट लाइन। आपको क्रेडिट लाइन लेना होगा। आप जब भी धनी ऐप से क्रेडिट लाइन लेते हो तो यहाँ पर आपको 100% प्रोसेसिंग फी लगेगा फ्रेंड, जो कि आप धनी कैश से दे सकते हो। एक नंबर यहाँ से आप रिडीम कर सकते हो अपना धनी कैश। दूसरा नंबर आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा पेमेंट ऑफ ईएमआईज। अगर आपने कोई लोन ले रखा है धनी से तो आप अब उस लोन का जो ईएमआई है उसका 10% आप धनी कैश से दे सकते हो। तो दूसरा नंबर, आप यहाँ से 10% धनी कैश रिडीम कर सकते हो। अब आते हैं तीसरे तरफ। तीसरा जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है वो है ऑर्डर योर धनी कार्ड। आप जब धनी एटीएम कार्ड ऑर्डर करते हो फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर देखिएगा इश्यूएंस चार्ज, यानी इशू करने का जो चार्ज होता है इन लोगों का, वो आपको यहाँ पे 100% धनी कैश से एक्सेप्टेबल है फ्रेंड्स। आप वहाँ पर धनी कैश से आप 100% इश्यूएंस चार्ज दे सकते हो। तो ये हो गया तीसरा नंबर, तीसरा तरीका हो गया फ्रेंड्स आप धनी कैश को रिडीम करने का। अब आते हैं चौथे तरीके की तरफ। चौथे तरीके में देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है धनी स्टॉक डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आप धनी स्टॉक एंड डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हो इनके प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, गेट 500 रुपीज़ कैशबैक ऑन योर अकाउंट ओपनिंग। आप अब अकाउंट जब अपना ओपन करोगे यहाँ पे, तो आपको 500 रुपये का कैशबैक यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि आप धनी कैश से इसको पे कर सकते हो।
ठीक है फ्रेंड्स। अब आप नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे पांचवा नंबर का जो ऑप्शन है वो है मोबाइल एंड बिल पेमेंट। तो ये जो ऑप्शन है वो पहले भी था फ्रेंड्स, कि 2% आप धनी कैश से पैसे यहाँ पे दे सकते थे फ्रेंड्स। आप कोई भी मोबाइल रिचार्ज करो, बिल पेमेंट करो, यहाँ पर आपका जितना भी अमाउंट होगा उसका 2% धनी कैश से डिटेक्ट होता है फ्रेंड्स। तो पांचवा नंबर का ऑप्शन यहाँ पे है जिसके थ्रू आप अपना धनी कैश को रिडीम कर सकते हो फ्रेंड्स। अब छठा नंबर और आखिरी है कि मेडिकल एंड पर्सनल एक्सीडेंशल इंश्योरेंस। आप इस तरह का अगर कुछ बेनिफिट आप यहाँ से ले चुके हो, या इस तरह का कुछ ऐसा आप सर्विस लिए हुए हो फ्रेंड्स यहाँ से धनी से, तो आप यहाँ पर इसका जो प्रीमियम होता है, जो भी आप एक्सीडेंशल इंश्योरेंस लिए हो, मेडिकल इंश्योरेंस लिए हो, तो उसका जो आपका प्रीमियम मंथली बनता है, उस प्रीमियम का आप 10% धनी कैश से दे सकते हो फ्रेंड्स। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको 6 तरीके दिए गए हैं धनी कैश को रिडीम करने का फ्रेंड। आप ये इन 6 तरीकों का यूज़ करके आप अपना धनी कैश को रिडीम कर सकते हो फ्रेंड 15 तारीख से पहले, हर महीने के 15 तारीख से पहले फ्रेंड, नहीं तो वो 0 हो जाएगा। ये न्यू अपडेट के अनुसार मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो मैं अब आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि धनी कैश को रिडीम कैसे करते हैं वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।